एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अच्छी कमाई हो रही है। वहीं अजय देवगन के भी काम की बहुत तारीफ हो रही है। अजय देवगन भले ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी है कि हमेशा शान दिखने वाले अजय को देखकर उनके फैंस इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते हैं कि उनकी बेहिसाब कमाई होती है। वहीं अजय देवगन एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक कामयाब प्रोड्यूसर भी है। तानाजी फिल्म भी उनके प्रोडक्शन हाउस में ही बनी है। साथ ही अपनी पत्नी काजोल को लेकर हाल ही में अजय ने हेलीकॉप्टर इला फिल्म भी बनाई थी। सूत्रों के अनुसार अजय देवगन की कुल कमाई 260 करोड़ रुपए की है। हाल ही में रेड, गोलमाल अगेन और टोटल धमाल जैसी हिट फिल्में भी अजय ने दी है। मुंबई के साथ साथ दुनिया के सबसे महंगे शहर लंदन में भी अजय देवगन का घर है, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है। और मुंबई में अजय के दो आलीशान घर है जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। वहीं अजय देवगन को महंगी कारों का भी शौक है। अजय देवगन के पास मैसेराटी क्वाड्रोपोड के साथ साथ रेंज रोवर भी है। वहीं अजय का खुद का एक प्राइवेट जेट है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। इस प्राइवेट जेट का नाम हॉकर 800 है, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर जाते हैं। और अजय देवगन नाम के उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस की कीमत 100 करोड़ है। इसके अलावा अजय देवगन 50 साल के हो गए हैं और आज भी उनका रुतबा बरकरार है। और एक फिल्म के लिए अजय 22 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और एक विज्ञापन के लिए अजय 5 करोड़ रुपए लेते हैं। और आखिरी बार अजय देवगन ने 6 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। इस तरह से अजय देवगन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगहों पर रियल सिंघम है।